डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 18 मई 2019 और ये जो हमारा एपिसोड है ये है एपिसोड 295। ये चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, इन पर रोज सुबह ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स का ये 4 बजे आपके लिए हिंदी मीडियम में अपलोड कर दिया जाता है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल्स पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस के साथ नहीं जुड़े हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो आप क्लिक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये हमारी वेबसाइट्स हैं ssccgilpinnacle.com और baljeetdhaka.com। चलिए मैं आपको प्रीवियस क्विज पर ले चलती हूँ। पहला प्रश्न देखो, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट LSA में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? इनका नाम है आरोही पंडित, ये इनका नाम है। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि 23वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बनाने वाले शेरपा कौन है? उनका नाम है कामी रीता। चलिए पहला प्रश्न, यहाँ पूछा गया है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किस राज्य में 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए MOU पर यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऐसा किया है उत्तराखंड ने। आंसर जो है यहाँ पर सी होगा, सी जो है ये राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत एक त्रिपक्षीय समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तराखंड में जो नमामि गंगे कार्यक्रम है इसके अंतर्गत जो है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व जो होता है, जो कॉरपोरेट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके रूप में रुद्राक्ष के वृक्ष लगाने हेतु जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में जो HCL फाउंडेशन है और जो इंटेक है उनके बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो पूरा प्रोग्राम होगा जिसमें कि 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे, उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। और जो नमामि गंगे मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य गंगा के आसपास में जो काफी सारे शहर हैं, जो गांव हैं, उन सब को स्वच्छ बनाना है। तो ये था हमारा प्रश्न एक। अब मैं इससे संबंधित आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है नमामि गंगे। रुद्राक्ष का जो पेड़ है आपको अच्छे से पता है कि एक सदाबहार पेड़ होता है, ये साल भर हरा रहता है ये, और जो धार्मिक चीजें वगैरह होती हैं हमारी उनको बनाने के लिए इसकी लकड़ी जो है इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए ये उत्तराखंड है, मैप में आपको दिखा रही हूँ कहाँ है उत्तराखंड। ये 9 नवंबर 2000 में बनाया गया था। उसके बाद कैपिटल यहाँ पर देहरादून है, गवर्नर है यहाँ पर बेबी रानी मौर्य, महिला गवर्नर है यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है। राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो ये थी जानकारी उत्तराखंड। अब मैं आपका ध्यान जो है पिनाकल के एक इनिशिएटिव की ओर खींचना चाहूंगी जो कि हमारा SSC CGL के लिए लास्ट लीप प्रोग्राम है। ये एक स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम है SSC CGL 2018 के Tier 1 के लिए, जिससे कि आपका 100% इंप्रूवमेंट होगा और आपके मार्क्स में करीबन 15 से 20 नंबर का उछाल आएगा। इसकी कीमत यहां पर दी हुई है और साथ में स्मार्ट टेस्ट सीरीज की भी कीमत जो है वो यहां पर दी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप इन मोबाइल नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आपको ले चलती हूं अगले प्रश्न पर। प्रश्न, किस देश ने प्राथमिक विद्यालयों में हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नए कानून को मंजूरी दी है? हेड स्कार्फ एक ऐसा कपड़ा जो सर को ढकता है, तो वो कौन सा राष्ट्र है जिसने की हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाया है प्राथमिक विद्यालयों में, ये आपके सामने प्रश्न है। ऐसा किया है ऑस्ट्रिया ने, यूरोप का एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, और उसने ऐसा करने का फैसला किया है कि हेड स्कार्फ पर वहां पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो ऑस्ट्रिया के सांसद हैं उन्होंने कैसे कानून को मंजूरी दी है, उसका मकसद जो है प्राथमिक स्कूल में जो हेडस्कार्फ से ढकने वाला जो कपड़ा होता है उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। लेकिन जो सिखों की पगड़ी होती है और जो यहूदियों का किपा होता है वो इससे प्रभावित नहीं होगा। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है ऑस्ट्रिया। ये देखो मैप में देखिए, यूरोप में ये जो कंट्री है ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। कैपिटल यहाँ वियना है, करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैंडेर बेलेन बेलेन, और गवर्नमेंट यहाँ पर फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। वियना जो है बहुत सारी
ओके, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके हेडक्वार्टर्स जो है वियना में लोकेटेड है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, फिर है हमारा UNCTAD यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स जो है वियना में है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-2021 दस्तावेज जारी किया है, आपको बताना है कि इस विजन की थीम क्या है। यह आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न तीन, यहाँ पर आंसर हमारा होगा असाधारण ई भुगतान अनुभव का सशक्तिकरण। आंसर यहाँ पर क्या है हमारा, आंसर जो है वो बी है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019 और 2021 का दस्तावेज जारी किया है और ये जो है ये उसकी थीम है। अब इस ये जो दस्तावेज है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि अत्यधिक डिजिटल और कैश लाइट अर्थव्यवस्था हो जिसमें नगद पूंजी जो है वो कम से कम इस्तेमाल की जाए। अब मैं इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019-2021 एम्पावरिंग एक्सेप्शनल ई पेमेंट एक्सपीरियंस, फोर सीज क्या क्या है, कॉम्पिटिशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस और कॉन्फिडेंस। अगला प्रश्न, भारत पहली बार सेना स्काउट्स मास्टर्स प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, ये कौन से शहर में आयोजित की जाएगी, इसको आयोजित किया जाएगा राजस्थान के शहर जैसलमेर में। तो उत्तर क्या है यहाँ पर मेरा, उत्तर जो है वो डी है। ओके, अब आपको बताऊं मैं कि ये 24 जुलाई से लेकर 24 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक इन तारीखों के बीच में जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जाएगी और उसमें दुनिया के 8 देश जिनमें कि इन्फेंट्री स्काउट टीमें जो हैं वहाँ की वो भाग लेंगी। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में भाग के रूप में सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर कर रहा है। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अब हमने बात की जैसलमेर की, जैसलमेर राजस्थान में है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य अब राजस्थान है। ये जानकारी मैंने आपको अक्सर दी है, आज मैं आपको यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। सरिस्का नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है। एक रिवीजन क्वेश्चन करा रही हूँ, राजस्थान के ही एक शहर में जो आठवां संस्करण है एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का जो 2019 में होगा वो राजस्थान के एक शहर में आयोजित हो रहा है, वो शहर कौन सा है, वो शहर है राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखो, चुनाव आयोग द्वारा किस भारतीय राज्य में पहली बार अनुच्छेद 324 का आदेश दिया गया है, ये प्रश्न 5 है। ठीक है, तो पहली बार ये आर्टिकल 324 जो है इसका प्रयोग किया गया है, हमारे संविधान में आर्टिकल 324 है, कौन से राज्य में प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में। चुनाव आयोग ने कोलकाता में हुई हिंसा के बाद जो पश्चिम बंगाल है उसकी जो 9 लोकसभा सीटें हैं उन पर अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव प्रचार बंद करने का आदेश दे दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो चुनाव प्रचार है वो निश्चित समय से पहले ही खत्म किया जा रहा है। ओके, तो आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है, आंसर जो है यहाँ पर डी होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या है हमारा, आंसर यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने अपने वीडियोस में आपको अक्सर बहुत सारी जानकारी दी है, तो आज आप मुझे पश्चिम बंगाल में गवर्नर कौन है, पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर कौन है और पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, ये तीनों चीज़ें जो हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये था प्रश्न 5। अगला प्रश्न, प्रश्न 6 पर आ गए हैं, MB बालकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया है, आप बताएं कि वो कौन से खेल से संबंधित थे, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर जो है वो तैराकी है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर यहाँ पर डी होगा।
ये दक्षिण एशियाई खेलों के ये पूर्व स्वर्ण पदक विजेता हैं। इनका नाम MB बालकृष्णन है। देखिए मैं इनकी आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ओके, एक सड़क दुर्घटना में इनकी हाल ही में मौत हो गई और इनकी जो उम्र है वो करीबन आपके 30 वर्ष थी। 50 मीटर बैकस्ट्रोक का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो इनके नाम दर्ज है। और 2007 में गुवाहाटी में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। 2010 में जो नई दिल्ली में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसमें 50 मीटर बैकस्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम इन्होंने किया था। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में, बहुत ही दुखद खबर। अगला प्रश्न, भारत हाल ही में पेरिस में क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन नामक एक प्रमुख पहल में शामिल हुआ है। आपको बताना है कि ये जो पहल है ये किस चीज से लड़ने के लिए है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो ये किससे लड़ेगी? ये लड़ेगी ऑनलाइन आतंकवाद और अतिवाद से। आंसर मेरा बी है, बी राइट आंसर है। भारत ने पेरिस में क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य जो है वो चरमपंथियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकना है। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर मार्च में जो हमला हुआ था उसमें जो 51 लोग मारे गए थे उनके मरने के बाद अब ये जो पहल है ये शुरू की गई है। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने किया। तो ये थी जानकारी प्रश्न 7 के बारे में। आपको थोड़ी और जानकारी देती हूँ कि अमरीका ने IT खतरों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है और अमरीका ने अमरीकी कंप्यूटर नेटवर्क को विदेशी विरोधियों से बचाने के लिए ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसको घोषित किया है। ओके, ये था हमारा प्रश्न 7। अब मैं इससे संबंधित आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप तस्वीर जो है वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और आंसर है यहाँ पर अर्जुन कुमार सीकरी। अर्जुन कुमार सीकरी की तस्वीर देखिए, इनको नियुक्त किया गया है। ओके, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस AK सीकरी। इनको न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में NBA कहा जाता है, उसके द्वारा समाचार प्रसारण व मानक प्राधिकरण NBSA का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वे NBSA के मौजूदा चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड RV रविंद्रन की जगह लेंगे और इनका जो कार्यकाल है वो 26 मई से, ठीक है जी, वो 26 मई 2019 से शुरू होगा। ये थी जानकारी इसके बारे, इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है डेंगू। ओके, तो ये हर साल कब मनाया जाता है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसको हम हर साल मनाते हैं 16 मई को। आंसर यहाँ पर क्या है? आंसर हमारा बी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो भारत सरकार के साथ मिलकर हर साल जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाता है। डेंगू जो है ये पूरे देश में दूर तक फैला हुआ है। वर्ष 2017 में बहुत सारे मामले, इनफैक्ट अधिकतम मामले जो है इस बीमारी से संबंधित दर्ज किए गए थे। और डेंगू वायरस जो है, ठीक है, उसको कैसे रोका जाए और क्या क्या काम किया जाए वो सारे का सारा जो है उस दिन उस पर फोकस किया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस के दिन। 16 मई को ही एक दिन और मनाया जाता है। 16 मई के दिन आप याद रखेंगे कि सिक्किम राज्य जो है, ये हमारा एक बहुत छोटा सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 16 मई 1975 को। तो 16 मई को सिक्किम जो है अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। ओके, अब आपसे पूछ रही हूँ एक रिवीजन क्वेश्चन, डेंगू से संबंधित है। अपने हाल ही के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो पहला वैक्सीन है जिसका नाम है डेंगवैक्सिया, उसको मंजूरी दे दी गई है। कौन से देश में ये मंजूरी दी गई, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना है। ये था प्रश्न 9। अंतिम प्रश्न, 2023 फुटबॉल एशियाई फुटबॉल कप, 2023 एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी जो है
वो कौन सा देश करेगा, मेजबानी हमारा करेगा चीन, चीन जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। अब सबसे इससे पहले जो है जो कोरिया फुटबॉल संघ था, ठीक है, कोरिया फुटबॉल संघ ने एशियाई कप 2023 की मेजबानी के लिए उन्होंने अपनी बोली जो है वापस ले ली है। पहले वो भी बोली लगा रहा था कोरिया फुटबॉल संघ, लेकिन उसने बोली वापस ले ली, और उसके बाद केवल एक ही देश रह गया बोली लगाने वाला, और वो है चीन। तो चीन जो है उसको इसकी होस्टिंग जो है वो मिल गई है। चीन में एशियाई कप 2023 आयोजित करने वाली बोली की पुष्टि की गई है। पहली बार 2004 में, याद रखेंगे आप साल, 2004 में चीन ने एशियाई कप की मेजबानी की थी, और जो फाइनल था वो चीन और जापान के बीच में हुआ था, और चीन जो है वो जापान से हार गया था। तो ये है हमारा प्रश्न 10। अक्सर अपने वीडियोस में आपको मैं चीन के बारे में बताती हूँ, आज दिखाते हैं कहाँ पर है। देखिए मैप में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, दुनिया के सबसे बड़े देशों में आता है चीन, ये सारे का सारा जो है ये चीन है। यहाँ पर राजधानी बीजिंग है, ये देखो ये रही आपकी बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी, यूनिटरी वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है, और पार्टी जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। तो ये थी सारी जानकारी अलग अलग प्रश्नों के बारे में। अब मैं आपको ले आई हूँ समरी कीवर्ड्स पर। जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसके तहत 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे उत्तराखंड में। ऑस्ट्रिया ने जो हेडस्काफ होता है प्राइमरी स्कूल्स में उस पर बैन लगाया। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया विजन 2019-2021 की थीम जो है एम्पावरिंग एक्सेप्शनल ई पेमेंट एक्सपीरियंस है। आर्मी स्काउट्स मास्टर्स कंपटीशन आयोजित होगी जैसलमेर में। भारत में पहली बार अनुच्छेद 324 लगाया गया वेस्ट बंगाल में। एमबी बालकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, ये जाने माने तैराक थे। ओके, हाल ही में भारत ने ज्वाइन किया है क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन इन पेरिस, और इसका जो उद्देश्य है वो ऑनलाइन टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो होता है उसको काउंटर करना है। अर्जन कुमार सीकरी जो है ये चेयरपर्सन नियुक्त किए गए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के। नेशनल डेंगू डे हम मनाते हैं 16 मई को, और 2023 का एशियन फुटबॉल कप जो है उसको होस्ट करेगा चाइना। अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भारत पहली बार सेना स्काउट्स मास्टर्स प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, ये कौन से शहर में आयोजित की जाएगी, आपको ये बताना है। और दूसरा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किस राज्य में 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको ये जो हमारे दो प्रश्न हैं इनके उत्तर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर देने हैं। ठीक है जी, इनके उत्तर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिए। ओके, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना संभव हो सके वीडियो को शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट, आपसे मुलाकात कल होगी, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय।